इस तरह दियां गोल गोल टेस्टी पिन्नियां अपने घर विच बनाउणा चाहुंदे हो तां इस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, तुहाडा प्योर पंजाबी चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां तुहाडे नाल शेयर कर रहे हां आटे दियां पिन्नियां दी रैसपी। भला आटे दियां पिन्नियां कह लो ते जां आटे दे लड्डू कह लो। आटे दियां पिन्नियां बनाउण लई जिहड़ा 1 किलो आपां आटा लिया ते 1/2 किलो जिहड़ा आपां घिओ लिया ते 1 कौली घिओ दी आपां एक्सट्रा लवांगे जिहदे विच आपां अपने ड्राई फ्रूटां नूं रोस्ट करांगे। 1 किलो आटा भुन्नण विच 1/2 किलो घिओ लगदा। 800 ग्राम आ जिहड़ी पीसी हुई मिश्री आ, तुसीं इस दी जगह ते पीसी हुई चीनी भी वरत सकदे हो। ते अपने ड्राई फ्रूट आ जिहड़े 200 ग्राम ही आपां बादाम लए आ, 200 ग्राम काजू लए आ, 100 ग्राम आ जिहड़े फुल मखाने आ, 100 ग्राम आ जिहड़े मगज़ आ ते 100 ग्राम ही आपां गोंद लई आ। गोंद आ जिहड़ी आपां पीसी होई नहीं लैणी, साबती लैणी आ। 10 क गिरियां जिहड़ियां अखरोट दियां लईआं ते कुछ आपां नारियल दा बरादा लिया। ड्राई फ्रूट आ जिहड़े तुसीं अपने हिसाब नाल वध जां घट भी पा सकदे हो। हुण जिहड़े अपने ड्राई फ्रूट आपां उहनां नूं तलांगे, उहदे लई आपां कढ़ाई दे विच जिहड़ा थोड़ा जिहा घिओ पा लवांगे ते घिओ नूं गर्म होण देवांगे। घिओ आ जिहड़ा अपना हल्का जिहा गर्म हो गया ते फ्लेम आ जिहड़ी आपां लो रखनी आ। लो फ्लेम ते जिहड़े अपने ड्राई फ्रूट आपां उहनां नूं रोस्ट करांगे। ते हुण आपां जिहड़े पहलां अपने काजू पावांगे, अपने काजूआं नूं जिहड़े लगातार हिलाउंदे होए आपां हल्का जिहा गोल्डन कलर आउण तक आपां इहनां नूं रोस्ट करांगे। तुसीं चाहो तां ड्राई फ्रूट वैसे भी पा सकदे हो, पर जिहड़े रोस्ट करके पाउण नाल पिन्नियां दा स्वाद आ जिहड़ा होर वी ज़्यादा वध जांदा। काजूआं ते जिहड़ा अपना हल्का जिहा गोल्डन कलर आ गया ते काजू अपने फ्राई हो गए आ ते हुण आपां जिहड़ा इहनां नूं कढ लवांगे। काजूआं तों बाद हुण जिहड़े अपने बदामां नूं रोस्ट करांगे आपां। बदाम रोस्ट करन लग्यां थोड़ा झटकण दी आवाज़ आउंदी आ ते उदों अपने बदामां जिहड़े ओह चंगी तरह रोस्ट हो जांदे आ। ते हुण जिहड़े अपने बदाम आपां इहनां नूं कढ लैंदे आ। हुण जिहड़े फुल मखाने अपने इहनां नूं वी आपां रोस्ट कर लैंदे आ। इहनां विच वी इक करंची पंजा आ जूगा, इह चंगी तरह जिहड़े रोस्ट हो जाणगे। मखाने आ जिहड़े अपने चंगी तरह क्रिस्पी हो गए आ, हुण आपां इहनां नूं वी कढ लवांगे। इस तरह जिहड़े अपने बाकी मखाने रहिंदे आ उहनां नूं वी आपां रोस्ट कर लैंदे आ। हुण अपनी गोंद नूं आ जिहड़ा आपां फ्राई कर लवांगे। गोंद आ जिहड़ी अपनी चंगी तरह रोस्ट हो जाती आ ते पूरी अपनी साइज़ तों जिहड़ी डबल हो जाती आ ते पूरी क्रंची हो जाती आ। गोंद वी आ जिहड़ी अपनी रोस्ट हो गई आ ते आपां इहनूं वी कढ लैंदे आ। अपने अखरोट ते जिहड़े मगज़ रहि गए सी उहनां नूं आपां ड्राई रोस्ट करांगे ते इहनां नूं वी ड्राई रोस्ट करके कढ लैंदे आ आपां। हुण अपने ड्राई फ्रूट आ जिहड़े आपां हल्का जिहा इहनां नूं क्रश कर लवांगे। अपने ड्राई फ्रूट आ जिहड़े आपां हल्के जिहे क्रश कर ले आ। हुण आपां मखाणिआं नूं वी इसे तरह क्रश कर लैंदे आ ते हुण अपनी गोंद नूं वी आपां क्रश कर लवांगे। इसे तरह अपने अखरोट ते मगज सीगे जिहड़े आपां उहनां नूं वी हल्का जिहा क्रश कर लैंदे आ। हुण जिहड़ा अपना घिओ सी उहनूं आपां कढ़ाई विच पा के गरम कर लवांगे ते अपना आटा भुन्नांगे आपां। आटा जिहड़ा आपां लो फ्लेम ते भुन्नांगे ते लगातार हिलाउंदे होए आपां इहनूं चंगी तरह भुन्न लवांगे। घिओ आ जिहड़ा अपना गर्म हो गया ते हुण अपना आटा पावांगे विच आपां। आटे नूं आ जिहड़ा लो फ्लेम ते भुन्नांगे आपां ते थोड़ा थोड़ा आटा पाउंदे जावांगे ते आपां नाल हिलाउंदे जावांगे। लगातार हिलाउंदे होए आपां आटे नूं लाल होण तक भुन्न लैणा ते इहदे विच इक वधिया खुशबू भी आउण लग जूगी आटा भुज्जे दी। आटे नूं आपां लो फ्लेम ते भुन्नणा है ते आपां आटे नूं लगातार हिलाउंदे रहिणा तां कि इह नीचे ना जल जाए। 15 मिंट हो गए आपां नूं लो फ्लेम ते आटा भुनदिआं होइआं नूं। जिहड़ा अपना आटा उहने थोड़ा थोड़ा घिओ वी छड्डणा स्टार्ट करता है ते आपां फ्लेम आ जिहड़ी थोड़ी जिही हाई कर लवांगे। हुण आपां तो हुण मीडियम फ्लेम ते जिहड़ा आपां इहनूं 5 तों 7 मिंट लई होर भुन्नांगे। पांच तो सत्त मिनट आटा जिहड़ा आपां होर भुन्न लिया ते आटा जिहड़ा अपना बिल्कुल लाल हो गया। आटा जिहड़ा अपना भुज के रेडी हो गया
ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਨੇ ਘਿਓ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਟਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟਾਂਗੇ। ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਆ। ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਇਓ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।